ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। मणिपुर में पिछले महीने भर से हिंसा की तमाम दर्दनाक और चिंताजनक खबरों के बीच प्रधानमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली है। देश के प्रधानमंत्री एक अभिभावक भी होते हैं। उन्हें अपने देश के अलग अलग समुदायों के बीच पनपे विद्वेष को खत्म करने के लिए कम से कम एक बार अपील तो जरूर करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए भी मणिपुर हिंसा पर जिस प्रकार से सरकार, प्रशासन और मीडिया द्वारा अनदेखी वाली छवि सामने आ रही है, वो दर्दनाक है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा गंभीर सवाल प्रधानमंत्री पर ही है कि आज तक 4 महीनों से ज्यादा की हिंसा में उन्होंने कुकी और मेहतियों को एक अभिभावक की तरह समझाने की एक अपील तक क्यों नहीं की, जबकि 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने और शांति स्थापित करने का वादा जनता से किया था। ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। मोदी का ये बयान आज प्रासंगिक है, जब वो मणिपुर की हिंसा पर आज खामोश हैं और धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर नजारा देखने का नाटक कर रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की खामोशी को निशाना बनाते हुए कहा, कभी सदन में एक अकेला कहकर अपनी ही पीठ थपथपाने वाले पीएम मोदी खामोश हैं। मणिपुर हिंसा पर मोदी जी, आपकी इस खामोशी ने इतना शोर मचाया है कि देश की जनता जाग रही है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, आप मणिपुर के मौजूदा हालात की गंभीरता एक पूर्व सेना के अधिकारी के बयान से समझ सकते हैं। पूर्व सेना के अधिकारी ने कहा है, मणिपुर में सीरिया और लीबिया जैसे भयंकर हालात पैदा हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी सरकार में विदेश मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जो मणिपुर से ही आते हैं, उनका घर भी इसी सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल चुका है। मणिपुर में अब तक इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज्यादा चर्च और 100 के करीब मंदिर तोड़े जा चुके हैं। लेकिन सरकार बनाने के बाद मणिपुर को शांति दिलाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री सब देखते हुए भी खामोश हैं।